भ्रष्टाचार पर योगी सरकार के हुक्म पर हंगामा शुरू हो गया। योगी सरकार ने सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए मेरठ में तैनात अपर आयुक्त रणधीर सिंह को बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी के खिलाफ रणधीर सिंह ने बीजेपी सरकार और सांसद हुकुम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। योगी सरकार के हुकुम पर बवाल, कैराना सांसद हुकुम सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। दो दिन पहले मेरठ के अपर आयुक्त रणधीर सिंह दुहन को शासन ने बर्खास्त किया। अब उन्होंने बीजेपी सांसद हुकुम सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब उनके ही इशारे पर हो रहा है। उनकी बेटी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था जो कि चुनाव हार गई थी, लेकिन इस चुनाव का हार का सारा ठीकरा मेरे सिर पर मर दिया गया। ये सारी कार्रवाई राजनीति के चलते हुई। 14 गांव मैंने और आइडेंटिफाई कर रखे हैं। आज भू माफिया ये सरकार चिल्ला रही है। ये सरकार जाकर के देखें, कैराना देहात, कोथलपुर, होसंगपुर, तीतरवाड़ा, मलकपुर, सरकारी जमीन के हजारों करोड़ की जमीन के ऊपर इसके बूथ एजेंट, इसके इलेक्शन एजेंट, इसके सक्रिय कार्यकर्ता पर वहां पर जो है अवैध कब्जा किया हुआ। दरअसल रणधीर सिंह 2012-13 में शामली में अपर जिलाधिकारी के पद पर तैनात थे। इस दौरान रणधीर सिंह ने शत्रु संपत्ति की 27 हेक्टेयर जमीन बिना अधिकार नीलाम कर दी थी। इस पर मामले में सहारनपुर के तत्कालीन कमिश्नर तनवीर जफर अली ने जांच कर सभी आरोपों को सही पाया था। आरोप सिद्ध होने की वजह से रणधीर सिंह दुहन को बर्खास्त किया गया। लेकिन अब बर्खास्त अपर आयुक्त का कहना है कि हुकुम सिंह की बेटी ने कैराना से चुनाव लड़ा जो कि चुनाव हार गई, और इस हार का कारण मुझे बताया गया जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब ये उपचुनाव हुआ है जिसमें इनकी बेटी आ रही है, इनके करते से ये जातिगत आधार पर, विशेष जाति के आधार पर ये काम कर रहा है। इससे एक नेशनल पार्टी की, राष्ट्रीय छवि की पार्टी की जो की छवि को भी जो है ये आदमी धूमिल कर रहा हो रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन तीन प्रकरणों में मुझे निलंब डिप्रमोशन किया है और मुझे डिसमिस किया है। आज तक किसी आदमी की शिकायत नहीं। मैं बहुत परेशान रही हूँ, हमेशा बच्चे परेशान रहे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। अगर ये इतने भ्रष्टाचार होते हैं तो मेरे पास भी सब कुछ होता। और इतने भ्रष्टाचार होते थे, ये घोटाला क्यों करते हैं? ये भी इन्होंने इतनी अच्छी जांच करी है, यहाँ पे क्यों दी इनको जांच? इन्होंने मना कर दी थी कि मैं नहीं करूंगा ये जांच। आपको बता दें कि कैराना सीट से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह विधानसभा चुनाव हार गई थी। हुकुम सिंह रणधीर पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। 400-450 एकड़ जमीन है उत्तर प्रदेश में बिडौली के पास में, और वो इन लोगों ने हरियाणा के लोगों को बेच दी। फिर विधानसभा में मैं उस मुद्दे को दोबारा उठाया, तो उठाने के बाद में इतना जरूर हुआ कि उसको हटाया यहाँ से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से, उसको भी हटाया और AK सिंह को भी हटाया। बराबर हम लेटर लिखते रहे, जांच चलती रही, और अब आकर के उसका परिणाम निकला जांच का कि उसकी सेवा समाप्त कर दी। रणधीर सिंह के आरोप कितने सही हैं ये साफ नहीं है, लेकिन जांच में रणधीर की भ्रष्टाचार में संलिप्तता जरूर पाई गई है। मेरठ से अब्दुल कादिर के साथ शामली से वरुण चौधरी की रिपोर्ट, समाचार प्लस।